चैप्टर नंबर 14। डेविड का एक दिन बीत जाता है अपनी आंटी के घर। जब वह सुबह उठता है तो वो नीचे जाता है और देखता है कि उसकी आंटी मिस बेट्सी किसी गहरे ख्याल में खोई हुई है। डेविड जब उनके पास जाता है तो वो डेविड को बताती हैं कि उन्होंने मिस्टर मर्डस्टोन को चिट्ठी लिखी है ताकि वो यहाँ आए और डेविड के बारे में उनसे बात किया जा सके। डेविड ये जब सुनता है तो वो बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद मिस बेट्सी डेविड को मिस्टर डिक के बारे में बताती है। वो डेविड से कहती है कि मिस्टर डिक का असली नाम मिस्टर रिचर्ड पैबले है, पर उनको ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ऐसे ही नाम के किसी इंसान ने मिस्टर डिक के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था, इसलिए उनको ये नाम पसंद नहीं है, इसलिए हम उन्हें मिस्टर डिक बुलाते हैं। मिस्टर डिक के बारे में आपको मैं थोड़ा बता दूँ। मिस्टर डिक थोड़े से पागल हैं, पर उनको ऐसे सब कुछ समझ में आता है, पर वो थोड़े से पागल हैं। उनका जो भाई था उसने मिस्टर डिक के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। मिस्टर डिक के जो फादर थे उन्होंने उसके भाई को कहा था कि मिस्टर डिक का ख्याल रखने के लिए, पर उसके भाई ने उसका ख्याल ठीक से नहीं रखा और उसको मेंटल असाइलम में भी भेज दिया था, जहाँ से मिस बेट्सी ने मिस्टर डिक को छुड़ाया। और तब से मिस्टर डिक मिस बेट्सी के साथ रहते हैं और जो भी सलाह मशवरा होता है कई बार मिस्टर डिक से मिस बेट्सी लेती है और वो बहुत ही अच्छी सलाह देते हैं। इसके बाद मिस मर्डस्टोन और मिस्टर मर्डस्टोन वो दोनों आ जाते हैं वहाँ मिस बेट्सी के घर पे। मिस बेट्सी बात करना शुरू करती है तो मिस मर्डस्टोन यानी मिस्टर मर्डस्टोन की जो बहन है मिस मर्डस्टोन वो बताती है कि डेविड बहुत ही बुरा लड़का है और वो हमारा शुक्रगुजार नहीं है कि हमने उसके लिए इतना कुछ किया है। मिस्टर मर्डस्टोन कहते हैं कि मैंने इसको काम पे रख दिया और इसके बाद भी वो वहाँ से भाग गया, इसे शर्म नहीं आती है, ये बहुत ही बुरा लड़का है, इसीलिए हमें इस पर सख्ती बरतनी चाहिए। इसके बाद मिस बेट्सी समझ जाती है कि ये दोनों डेविड को बहुत ही बुरा बोल रहे हैं क्योंकि ये दोनों उससे प्यार नहीं करते हैं और ना ही ये दोनों उसका ख्याल रखना चाहते हैं। इसके बाद मिस बेट्सी मिस्टर मर्डस्टोन से पूछती है कि मुझे बताओ, अगर डेविड की जगह तुम्हारा अपना बेटा होता तो क्या तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते? इसके बाद मिस्टर मर्डस्टोन की आँखें झुक जाती है। इसके बाद मिस बेट्सी समझ जाती है कि अब डेविड उनके साथ नहीं रह पाएगा, तो इसीलिए वो डेविड से ही पूछती हैं कि डेविड तुम क्या चाहते हो। डेविड कहता है कि वो मिस्टर मर्डस्टोन और मिस मर्डस्टोन के साथ नहीं रहना चाहता। इसके बाद मिस्टर मर्डस्टोन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिस बेट्सी मिस्टर डिक से कहती है कि मिस्टर डिक, आज के बाद से मैं और आप डेविड के गार्डियन हैं, आज से हम दोनों डेविड का ख्याल रखेंगे और लीगल गार्डियन हम दोनों होंगे। इसके बाद डेविड को मिस बेट्सी कहती है कि तुम्हारा नाम अब से डेविड कॉपरफील्ड नहीं रहेगा, बल्कि अब से तुम्हारा नाम है टॉटवुड कॉपरफील्ड। टॉटवुड मिस बेट्सी का सरनेम है, इसीलिए टॉटवुड कॉपरफील्ड। और डेविड इसके बाद बहुत ही खुश हो जाता है कि अब उसे मिस्टर मर्डस्टोन के साथ नहीं रहना पड़ेगा और वो अपनी आंटी के साथ रह पाएगा।